हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए, शवासन में लेट जाइए। शवासन की अवस्था में आपका शरीर सिर से पैर तक एक ही सीध में रहेगा। दोनों पैर एक दूसरे से अलग, दोनों पैरों के बीच कम से कम 1 फुट का अंतर रहे। दोनों भुजाएं शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहेंगी। सिर सीधा, आंखें बंद। एक बार अच्छी तरह अपने शरीर की स्थिति को व्यवस्थित कर लीजिए। शरीर को विश्राम की अवस्था में ले आएं। योग निद्रा का अभ्यास शुरू हो जाने के बाद शरीर को किसी तरह हिलाना डुलाना नहीं है। आँखों को बंद रखेंगे जब तक खोलने को ना कहा जाए। गहरी श्वास लीजिए और अनुभव कीजिए कि शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो रही है। श्वास को लेकर के छोड़ते समय पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते समय अनुभव कीजिए कि शारीरिक और मानसिक थकानें दूर हो रही हैं, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। आपका शरीर विश्राम करने जा रहा है, जिस प्रकार रात्रि में सोने के समय शरीर शिथिल हो जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर को अभी विश्राम की अवस्था में, शिथिलता की अवस्था में लाना है। जैसे जैसे योग निद्रा के अभ्यास क्रम में मन अंतर्मुखी होता है, वैसे वैसे झपकी और नींद भी आती है, लेकिन आपको सोना नहीं है, पूर्णतः जागरूक रहना है। समय समय पर अपनी सजगता को परखना है, यह कहकर मैं सोऊंगा नहीं, मुझे पूरे अभ्यास में जगते रहना है। आपको मेरी आवाज को सुनना है और मेरे निर्देशों को मानसिक रूप से क्रियान्वित करना है। अपनी सजगता को, अपनी चेतना को मेरे आवाज के साथ जोड़ देना है और मेरे निर्देशों के अनुसार चलना है। निर्देशों का बौद्धिक विश्लेषण अथवा विचार नहीं करना है, केवल आदेश का पालन करना है। अन्यथा आप मानसिक रूप से विश्राम नहीं कर पाएंगे। अभ्यास के बीच अगर विचार आते हैं तो आने दीजिए, लेकिन निर्देशों के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। अपने आप को, अपने शरीर को स्थिर रखें। अपने आप को पूरी तरह से शांत और स्थिर बनाइए। सारे शरीर को शिथिल करने की भावना कीजिए।
शारीरिक सजगता और शारीरिक स्थिरता। अपनी चेतना को सिर से पैर तक घुमाइए और पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। पूर्ण स्थिरता के साथ पूरे शरीर के प्रति जागरूक बने रहिए। पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर का ख्याल मानसिक रूप से अपने आप को कहिए, मैं सजग हूं और मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। मुझे सोना नहीं है, मुझे पूरे अभ्यास के दौरान जगते रहना है। पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर को विश्राम की स्थिति में देखिए। शरीर में कहीं भी कड़ापन नहीं, तनाव नहीं, पूर्ण आराम। मांसपेशियों में तनाव नहीं, जोड़ों में तनाव नहीं, पूरे शरीर को तनाव रहित बना करके स्थिरता का ख्याल कीजिए। मन में यह ध्यान रहे कि सोना नहीं है, मन में यह ख्याल रहे मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूं। अब कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को बाहर की आवाजों पर केंद्रित कीजिए। जो भी आवाज आपको सुनाई पड़ते हैं, जो भी ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो भी शब्द सुनाई पड़ते हैं, उनके प्रति सजग रहिए। किसी भी आवाज में अपने मन को टिकाना नहीं है, केवल आवाजों के प्रति, ध्वनि के प्रति, शब्दों के प्रति सजग बन करके रहना है। आपका मन टेप रिकॉर्डर के माइक्रोफोन की तरह संवेदनशील है। अपने सीमा के भीतर सभी आवाजों को जिस प्रकार माइक्रोफोन ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार अपनी चेतना के दायरे के भीतर जो भी ध्वनि सुनाई पड़ते हैं, उनके प्रति सजग बने रहिए। किसी भी आवाज में, किसी भी ध्वनि में अपने ध्यान को टिकाइए मत, बल्कि यह जान लें कि आवाज हो रही है, मैं सुन रहा हूं, और फिर दूसरे आवाज की ओर अपने मन को ले जाइए। सभी आवाजों के प्रति सजग बने रहिए। अपनी चेतना को शरीर से बाहर पूर्ण रूप से बहिर्मुखी बनाइए। अब श्वास के प्रति सजग बन जाइए। सामान्य श्वास जो अंदर ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं, सामान्य श्वास के प्रति पूर्ण सजग बने रहिए। श्वास को अंदर आते और बाहर जाते देखते जाइए।
नासिका छिद्रों में श्वास का अनुभव कीजिए। श्वास नासिका छिद्रों में प्रवाहित हो रही है। जब श्वास अंदर जाती है तब नासिका छिद्रों में श्वास के तापमान का, वायु के तापमान का अनुभव कीजिए। जब श्वास छोड़ते हैं तो नासिका छिद्रों में वायु के तापमान का अनुभव कीजिए। श्वास के प्रति पूर्ण सजग बने रहिए। कोई भी श्वास बिना आपके जानकारी के ना भीतर जा सकती है ना बाहर आ सकती है। श्वास का ख्याल श्वास के प्रति सजगता श्वास छोड़ते समय हमेशा यह ध्यान बना रहे कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, विश्राम की अवस्था में जा रहे हैं। अपने प्रति सजग रहिए। निर्देशों के प्रति सजग रहिए। सोना नहीं है। अब हम लोग एक संकल्प करेंगे। आपको संकल्प करना होगा। संकल्प आपके विकास एवं रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प आपके स्वभाव या प्रकृति के अनुकूल छोटा, सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। कोई भी एक संकल्प चुनिए। योग निद्रा में किया गया संकल्प निश्चित रूप से फलीभूत होता है। संकल्प का चयन करके संकल्प को 3 बार मन में ही दोहराइए, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। अब हम अपनी चेतना को या मन की जागरूकता को क्रमशः शरीर के विभिन्न भागों में घुमाएंगे। अगर हम कहें दाएं हाथ का अंगूठा, तो बंद आंखों के सामने काले पर्दे पर दाहिने हाथ के अंगूठे को मानसिक रूप से देखिए। मन में दोहराइए दाहिने हाथ का अंगूठा और दाहिने हाथ के अंगूठे को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दीजिए। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में हम अपनी चेतना को घुमाएंगे पूरी सजगता के साथ। दाहिने हाथ का ख्याल, दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, हथेली, कलाई, केहुनी, कंधा, बगल, दाएं ओर की कमर, दाएं जांग, दायां घुटना, पिंडली,
टखना, एड़ी, दायां पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, शरीर का दायां भाग, शरीर का दायां भाग, शरीर का दायां भाग। अब अपनी चेतना को बाएं तरफ लाइए। बाएं हाथ का ख्याल, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, बाएं हथेली, कलाई, केहुनी, कंधा, बगल, बाईं ओर की कमर, बाईं जांग, बायां घुटना, बाईं पिंडली, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, शरीर का पूरा बायां भाग, शरीर का पूरा बायां भाग। अब अपनी चेतना को शरीर के पिछले हिस्से में लाइए। दायां नितंब, बायां नितंब, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर का पिछला हिस्सा, सिर का शीर्ष भाग, ब्रह्मरंध्र। अब अपनी चेतना को शरीर के सामने लाइए। सिर का ऊपरी भाग, माथा, दाई भौं, बाई भौं, भ्रूमध्य, दाई आंख, बाई आंख, दाया कान, बाया कान, दाया गाल, बाया गाल, नाक, दाहिनी नासिका, बाई नासिका, नासिकाग्र, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, दाई छाती, बाई छाती, छाती का मध्य भाग, नाभि, पेट, पूरा दायां पैर, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, पूरा पीठ, पूरा सामने का भाग, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। आपका सारा शरीर जमीन पर लेटा हुआ है। इस लेटे हुए शरीर के प्रति अपनी सजगता बनाए रखिए। आपका सारा शरीर
जमीन पर लेटा हुआ है। मानसिक रूप से पूरे शरीर को ध्यान से देखिए। शरीर पूर्ण रूप से शिथिल और स्थिर है। केवल शारीरिक अवस्था का ख्याल, सोना नहीं, हिलना भी नहीं। अब अपने श्वास प्रक्रिया के प्रति जागरूक बन जाइए। आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। श्वास के लय को बदलिए नहीं, स्वाभाविक श्वसन क्रिया करते जाइए, स्वाभाविक श्वसन क्रिया को देखते जाइए। श्वास लेने और छोड़ने में अपना कोई प्रयास नहीं होना है, केवल श्वास की सामान्य प्रक्रिया को मानसिक रूप से देखते जाना है। अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ही लगाए रखिए। अब अपनी चेतना को श्वास की सजगता को अपने उदर क्षेत्र में ले आइए। श्वास के साथ नाभि के उतार चढ़ाव का भी ख्याल करना है। प्रत्येक श्वास के साथ आपका पेट, आपकी नाभि ऊपर और नीचे होती है। श्वास लेते समय पेट फूलता है, श्वास छोड़ते समय पेट संकुचित होता है। इस संकुचन तथा प्रसारण की क्रिया को देखते जाइए। अपना पूरा ध्यान श्वास और पेट में श्वास के प्रवाह पर केंद्रित रहेगा। सोना नहीं, पेट के विस्तार और संकुचन को देखते जाइए। अब अपनी चेतना को गले में ले आइए। श्वास के आवागमन को देखिए। श्वसन क्रिया का अनुभव गले में होना है। श्वास के आने जाने क्रिया को गले में देखिए। अब अपने संकल्प को दोहराइए। अपने संकल्प को मन में दोहराइए। वही संकल्प जो आपने योग निद्रा के प्रारंभ में किया था। संकल्प बदलना नहीं है। पूर्ण जागरूकता के साथ अपने पूर्व संकल्प को 3 बार मन में दोहराइए। संकल्प के समय आपकी भावना भी प्रबल होनी चाहिए।
संकल्प में पूर्ण विश्वास, संकल्प के प्रति सजग बने रहिए। अब अपनी चेतना को बहिर्मुखी बनाइए, बाहर के आवाजों का ख्याल, बाहर के वातावरण का ख्याल, जो भी आवाज आपको सुनाई पड़ रहे हैं, सभी आवाजों को ध्यान से सुनिए। अपनी चेतना को धीरे धीरे बहिर्मुखी बनाइए। प्रारंभिक योग निद्रा का अभ्यास समाप्त होता है। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, सिर को हिलाइए, अपनी चेतना को शरीर से पुनः जोड़ दीजिए और पूरे शरीर को धीरे धीरे हिलाइए। गहरे श्वास अंदर लीजिए और पूरे शरीर को फैलाइए। फिर धीरे से आँखों को बंद रखते हुए उठ करके बैठ जाइए। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.